हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि शिक्षक और सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए जो परीक्षा है वो सम्पन्न हो चुकी है। अब जो है इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या कट ऑफ हो सकती है पेपर के जो काठिन्य स्तर है उसको देखते हुए। ठीक है, पेपर थोड़ा सा लेवल उसका नॉर्मल से हाई था, नॉर्मल टू हाई इसके जो है लेवल को कहा जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सभी को जो है खासा परेशान किया हुआ है, तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है। ये पूरी तरह से संभावित कट ऑफ होगी, अनऑफिशियल होगी, और जो है इसमें सटीक तरह से अनुमान लगाने का पूरा प्रयास किया गया है, और किस वर्ग की जो है कट ऑफ सबसे हाई रहने वाली है इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सकें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट जो हमारे टॉपिक पर आते हैं, सबसे पहले हम सहायक शिक्षक के बारे में चर्चा करेंगे। सहायक शिक्षक का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, इसको मॉडरेट टू हाई आप कह सकते हैं। कुछ विषय के सवाल जो हैं काफ़ी कैंडिडेट को परेशान किए हुए हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के सवाल थोड़े से हाई थे। मैथमेटिक्स में जो है 30 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से सारे के सारे आंकिक प्रश्न ही थे, इसमें पेडागोजी शामिल नहीं किया गया था। साथ ही जो इंग्लिश के सवाल थे वो भी थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, ऐसा जो है अभ्यर्थियों का कहना और मानना है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, सहायक शिक्षक के बारे में इसका संभावित कट ऑफ देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों जनरल का जो है कट ऑफ क्या हो सकता है, तो जो जनरल का कट ऑफ यहाँ पर हो सकता है ये पूरी तरह से संभावित है। यहाँ पर लगभग 85 से 90 प्रश्न जिन्होंने सही सॉल्व किए हैं उनका यहाँ पर जो है सिलेक्शन का पूरा पूरा चांसेस है। जनरल की बात यहाँ पर की जा रही है 85 से 90। ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 75 से 80 सवाल जिन्होंने सही बनाए हैं, यानी कि पूरा माइनस मार्किंग का पूरा काउंट करके जो है 75 से 80 का नंबर उनका अगर आता है तो वो कट ऑफ की सीमा में रह सकते हैं, कट ऑफ की सीमा से वो जो है आगे निकल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप एससी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 70 प्लस ना अंक लाने वाले कैंडिडेट जो है सिलेक्शन की ओर, सिलेक्शन का उनका हाई चांसेस हो जाएंगे। और एसटी की अगर बात करें तो 60 प्लस वाले जो कैंडिडेट हैं, 60 से ज़्यादा जिन्होंने अर्जित कर लिए हैं पूरा कार्ड फिट करके, जो माइनस मार्किंग होता है सभी को काउंट करके, यहाँ पर अगर 60 प्लस मार्क अगर आपका आ जाता है तो आप अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका जो है लगभग लगभग यहाँ पर श्योर हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसटी के कैंडिडेट एसटी की जो सीट की संख्या वो काफ़ी ज़्यादा है, तो 60 प्लस यहाँ पर लगभग इनफ होगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो शिक्षक की बात करें तो शिक्षक भर्ती में भी जो है काफ़ी सारे जो है डिफ़िकल्टी लेवल ठीक ठाक था। सहायक शिक्षक से शिक्षक का डिफ़िकल्टी लेवल जो है ठीक था, थोड़ा मॉडरेट आप कह सकते हैं। इसमें अगर जनरल की बात करें तो लगभग 90 प्लस जनरल कैंडिडेट 90 प्लस लाने पर उनका लगभग सिलेक्शन जो है एक तरह से तय हो सकता है और हाई चांसेस हो जाएंगे कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो लगभग 80 से 85 तक रहने वाला है, और ये पूरी तरह से संभावित कट ऑफ है। 80 से 85 जिन्होंने अर्जित कर लिए हैं ओबीसी वाले उनका लगभग सिलेक्शन यहाँ पर लगभग लगभग तय हो जाएगा। उसी तरह से एससी की बात करें तो 75 से 80 मार्क लगभग उनका रहेगा कट ऑफ मार्क, 75 से 80, और एसटी की यहाँ पर 65 प्लस मार्क जो है एसटी की यहाँ पर लगभग बनने वाली है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, लगभग जिन्होंने 65 प्लस यहाँ पर ले आया है तो वो एसटी के कैंडिडेट वहाँ पर सेलेक्ट होने के हाई चांसेस हैं। तो इस प्रकार ये कट ऑफ रहने वाला है, और यहाँ पर जो है इस कट ऑफ के सीमा के अंदर जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वो लगभग अपना एक तरह से श्योर समझ सकते हैं। बाकी ये अनऑफिशियल है, बिल्कुल जो है अनुमान के पर ये जो है आधारित है, अनुमान पर आधारित है, और इसका जो ऑफिशियल जब भी नोटिस आएगा या ऑफिशियल रिजल्ट आएगा तो इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में संभावित कट ऑफ की बात की, और आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहेगा चैनल के साथ। नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।